मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। और संस्कृत की विशेषता होती है कि जोर से दोहराते तो अच्छा लगता है, और रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके दोहराते तो और अच्छा उसका अनुभव होता है। उसके वाइब्रेशन तभी अनुभव होते हैं जब रीढ़ सीधी हो। रीढ़ झुकी हुई हो तो संस्कृत में मज़ा नहीं आता। विष्णु पुराण का श्लोक है जो भारतीय शिक्षण मंडल जिसका मैं कार्य देखता हूँ उसका विचार वाक्य उसमें से लिया हुआ है, उस श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आ रही? अब तो आ गई, तभी तो मना किया। नहीं आए तो हाथ ऊपर करना। अब ठीक है, मेरे पीछे पीछे श्लोक को दोहराएंगे। विष्णु पुराण का श्लोक है, तत्कर्मयन्न बंधाय, तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये, सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म, आयासाया परम कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्, विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। पूज्यपाद गोविंद प्रभु जी, आदरणीय कृष्ण चैतन्य जी, शिप्रा जी, दीप जी, यहाँ उपस्थित परमादरणीय मातृशक्ति और बंधुओं, श्लोक बड़ा सुंदर है। वह कहता है कि कर्म वही है जो बंधन में न बांधे, जो बांधे वो काहे का कर्म, ऐसा कह रहा है। तत्कर्म यन्न बंधाय, जो नहीं बांधता वही कर्म है। फिर बांधता है वो क्या है? तो आयास आया अपरम कर्म, बाकी सारे कर्म तो केवल मजदूरी है। सच्चा कर्म तो वह है जो बंधन में न बांधे। फिर वो बंधन सत्कर्म का हो या दुष्कर्म का हो, श्रृंखला तो श्रृंखला है, फिर चाहे वो सोने की क्यों ना हो। वुड यू लाइक टू बी बाउंड बाय अ गोल्डन चेन? इसलिए बंधना तो है ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण इसको कुशलता से किया गया कर्म कह रहे, वही कर्म कुशलता से है जो बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृत, उभे दोनों को जहातीह जला देता है। विष्णु पुराण में वही बात कह रहे कि तत्कर्म यन्न बंधाए, जो नहीं बांधता वह कर्म है, और जो मुक्त करती है वो विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है, और केवल अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति की बात नहीं की, विमुक्त है विशेषत्वेन मुक्त है, जो जो बंधन है उस बंधन से मुक्त करती है। निर्धनता का बंधन है तो उससे, अज्ञान का बंधन है तो उससे, सबसे बड़ा बंधन तो भ्रम का है। अभी गोविंद प्रभु जी कह रहे थे ना, निर्णय लेने की क्षमता, सारा खेल तो डिसीजन मेकिंग का है। विवेक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर, करना नहीं करना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी इतने फोन क्यों करने पड़े? निर्णय लेने में सहयोग करने के लिए ना, पहुंचना कि नहीं पहुंचना, बहुत सारे काम है। आप कोई खाली लोग तो है नहीं, व्यस्त लोग हैं, अपने अपने कार्य में व्यस्त है, अपने व्यवसाय में व्यस्त है, उसमें से समय निकालकर किसी श्रद्धा को मन में धारण करके, जिज्ञासा को लेकर के और समझने के लिए यहां पर आया। आश्चर्य नहीं लगता ये? 50 की अपेक्षा कर रहे थे, 300 से ऊपर आ गए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। मैकॉले ग्रस्त होते हुए कैसा ले गया? तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं होते तो निर्णय लेना सरल होता है। बहुत पढ़े लिखे होकर के योग्य निर्णय लिया, इसलिए आप सब लोग परम बधाई के पात्र हैं। अपने लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए, वक्ताओं के लिए तो खूब बजाते हैं, ये श्रोता के लिए बजाइए।
क्योंकि बिना जिज्ञासा के, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धा का जागरण होने के लिए इंद्रियों का निग्रह करना है, मेथोडोलॉजी। दीप जी क्यों और कैसे दोनों बताते हैं, क्यों भी बताते और कैसे भी बताते। श्रद्धा से मिलता है इसलिए श्रद्धा चाहिए, लेकिन श्रद्धा क्यों आएगी कैसे, श्रद्धा क्यों चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहिए, आएगी कैसे, संयतेन्द्रिय उससे आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और आपकी जिसमें आप पढ़े लिखे बड़े बड़े अपना अपना ईगो लेकर के आए होंगे ना, वो छूटता नहीं बाहर। जूते तो उतार दिए अपन ने, कई जगह पर लिखा होता है जूते और अहंकार को बाहर रखिए, सरल वाला कर लेते अहंकार कठिन कठिन है ना, नहीं रख पाते, स्वाभाविक है। विद्या ददाति विनयम, कितनी झूठी बात है बताइए मुझे। दसवीं पास वाले को ज्यादा विनय होगा कि पीएचडी के वाले को ज्यादा विनय होगा? तो विद्या ददाति विनयम, सुभाषितकार गलत बोल रहा है। सुभाषितकार कह रहा है जितनी अधिक विद्या होगी उतना अधिक विनय होगा। यहां तो डिग्रियां बढ़ती जाती है, विनय पता नहीं कहां चला जाता है। जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतनी ज्यादा छाती चौड़ी होगी, गर्दन ऊंची होगी, नाक सबसे बड़ी होगी। जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी नाक। और ऐसा होते हुए आप लोग यहां समय निकाल करके आए। समय निकालने का निर्णय सरल था क्या? वरीयता तय करनी थी, प्राथमिकता तय करनी थी, प्रायोरिटी तय करनी थी। इससे अधिक लाभकारी अनेक कार्य सामने दिख रहे होंगे और उसमें से ये निर्णय लेने की शक्ति आपको भक्ति ने दी, श्रद्धा ने दी। श्रद्धा विजयी हुई लोभ पर, इसलिए आप यहां पहुंचे। सीधी सी बात है, ये निर्णय लेने की क्षमता तो सबसे बड़ा भ्रम। सारी भगवत गीता उसी के लिए है ना, जो धनुष उठा करके कह रहा है धनुरुद्धम्य पांडव, पहले अध्याय में कह रहे हैं, संजय कह रहा है कि कैसे खड़े हुए धनुष उठा करके और कह रहे कृष्ण को, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्य में, इस रण में मुझे किससे युद्ध करना है बताओ, कौन कौन है। ऐसा कहने वाला दो मिनट बाद कहता है गांडी वम संसते हस्तात्व परिदयते न च शक्नो व्यवस्था तुम भ्रमति वच में मन, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, आई कैन नॉट डिसाइड मेरे लिए श्रेय क्या है। यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, जो श्रेयस करे वो निश्चय करके मुझे बता दो, एक झंझट मिट जाए। क्योंकि मेरी बुद्धि का अपहरण हो गया शोक से मोह से, मेरी बुद्धि का अपहरण हो गया, इसलिए मैं भयग्रस्त हो गया हूं और अब धर्म का मार्ग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए। प्रामाणिक है बेचारा अर्जुन। हम तो जीवन में रोज इस स्थिति में जाते हैं और आपकी विद्या आपको इसमें मदद कर रही है क्या बताइए? अगर नहीं कर रही तो वो मुक्त करने वाली है क्या ये बताइए? वो मुक्त करने वाली होगी तो विनय भी देगी। फिर जितना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, जितनी अधिक विद्या होगी, जितना अधिक प्रावीण्य आएगा, जितनी अधिक कुशलता आएगी, जितनी अधिक मन के अंदर स्पष्टता आएगी संकल्पनाओं की, उतना वो विनम्र हो जाएगा। उसको पता चलेगा मैं कितना छोटा हूं, मैं कितना शूद्र हूं, मैं कितना कितना कुछ जानने के लिए आवश्यक है। इसलिए विनय देगी। विद्या विनय कैसे देगी? क्योंकि विद्या यह भान कराएगी कि और कितना बाकी है।